लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपने दल को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं नए चेहरों को पार्टी से जोड़ा जा रहा है। इसी क्रम में जेडीयू प्रदेश कार्यालय में नए लोगों को जोड़ा गया है। पटना सिटी राजगीर के लोगों को पार्टी से जोड़ा गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने सभी लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान जदयू नेता ने कहा कि सभी लोगों को निस्वार्थ भाव से जेडीयू से जुड़े हैं। वहीं महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर और वहां औरंगाबाद सीट से जदयू के पूर्व नेता अभय कुशवाहा पार्टी छोड़कर राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूर्णिया से बीमा भारती जदयू छोड़कर आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपना बयान दिया। एक तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की जो खबर आ रही थी उसमें फैसला नहीं हो रहा था और निर्णय की स्थिति बहुत लंबे काल तक चली और फिर उसमें दिल्ली में जाकर के फैसला हुआ और इस पर हम लोग कोई टिप्पणी नहीं इसलिए करेंगे कि देखना चाहिए कि पूर्णिया में क्या होता है, क्योंकि सिंबल की बात है, एक और सिंबल की बात है कि मिल गया है। चुनाव के दरमियान प्रत्येक चुनाव में कुछ लोग टिकट के कारण से या किसी दूसरे कारण से वो लोग दूसरी पार्टी की सदस्यता ले लेते हैं और छोड़ते हैं कुछ लोग। ये आम बात है, आई प्रत्येक चुनाव में ऐसा हो रहा है। इवन राष्ट्रीय स्तर पर आप जरा देख लीजिए कि जो खबर आ रही है, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे राजस्थान का हो, ये अलग अलग जगह से खबरें आ रही हैं कि कुछ लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ करके दूसरे पार्टी की सदस्यता ली है। इसलिए ये कोई नई बात नहीं, ये सामान्य बात है, लेकिन इंतजार करना चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी के मौत के मामले पर राजद के साथ विपक्षी दलों की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन इस मामले पर जदयू कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी के वशिष्ठ राजद के साथ विपक्षी दलों की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रिया दी जा रही है, लेकिन इस मामले पर जदयू कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो उत्तर प्रदेश का मसला है, बिहार में उस पर बोलना कोई उचित नहीं है। पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।